Happy Diwali! What you doing, Abhi? What are you doing behind me? What are you doing behind me? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी, पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं वंदना, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एंड एवरीवन। So, आप सबको शुभकामनाएं दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पर इंडिया वाले तरीके से तो नहीं मना रहे हैं, थोड़ा सा अपना बस घर में पूजा करेंगे और डिनर ऑर्डर कर लिया है, तो सब लोग जो भी नेबर है सब लोग बाहर आके हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे पूजा करने के बाद। प्रसाद बना लिया है घर पर, प्रसाद घर में बना लिया है, हलवा ये सब प्रसाद बना लिया है, तो हलवा हाँ इन्होंने खा भी लिया। तो सभी नेबर्स आएंगे, फिर थोड़ा सा फुलझड़ी वगैरह जलाएंगे, साथ में फन करेंगे, बच्चे खेल लेंगे और हम लोग थोड़ी सी मस्ती कर लेंगे। तो दोस्तों सब लोग चलिए साथ में बने रहिए और सब लोग साथ में दीपावली को एंजॉय करते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ डेकोरेशन, जो हमने लाइटें लगाई हैं, देखिए पूरे में लाइट्स वगैरह लगाई थी सबने, विवान मैं हम सब ने मिल करके और इन बच्चों ने मिल करके ये रंगोली बनाई है आज पूरे दिन भर। तो अगर ऐसे एंट्री करें, पूरी रंगोली बनाई हुई है। तो वंदना जी कर रही है पूजा की तैयारी, जैसे सब कुछ रेडी होता है सब लोग जाकर के अभी पूजा करते हैं पहले, तो उसके बाद थोड़ा सा मस्ती धमाल, फुलझड़ियाँ, फायर क्रैकर करते हैं, ज़्यादा चलेंगी नहीं, ओनली थोड़ी सी फुलझड़ियाँ होंगी और सब लोग साथ में करके डिनर कर लेंगे। यही हम लोग की दिवाली है। अभी तू हट जाए यार, तू रहम कर ले। तो फ्रेंड्स देखिए, आज सुबह तृप्ति आई थी दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए, तो ये कितना सुंदर लक्ष्मी जी और गणेश जी का चांदी का सिक्का दिया है उसने कि मौसी पूजा में रखना। देखो, और दिए लाई है, विवान की फेवरेट चॉकलेट लाई है, और सबसे बड़ी बात मुझे नहीं पता उसने टाइम कैसे निकाला, हाथ के बने हुए बेसन के लड्डू लेके आई है। तो भाई ये देखो कितना प्यारा सा, विवान के पास क्या है ये, मैं लेके आई पूजा के लिए चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी गणेश जी का। व्हाट यू डूइंग? What are you doing behind me? चलो जय जय करो, चलो हाँ चलो जय जय करो आविक, चलो जय जय का टाइम हो गया, चलो जय जय टाइम हो गया। ये हो गए लक्ष्मी जी गणेश जी हमारे स्थापित, बस अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स पूजा। जय गणेश, ऑल डेकोरेशन रेडी है, नाइट में देखिए सब लाइट जला दी है, अभी नेबर सब आएंगे, थोड़ा सा डिनर साथ में और एंजॉय कर लेंगे। गैराज में भी लाइटिंग लगा दी वंदना जी ने और टेबल भी लगा दी है, फ्रेंड्स लोग आएंगे सबका थोड़ा सा डिनर का इंतजाम हो जाएगा। इधर भी लगाई है वंदना जी ने लाइट्स, देखिए आविक यू हैप्पी? हैप्पी लोग, इतनी सारी फुलझड़ी आ गई हैं आपके लिए, अभी आप जलाओगे इन सबको, है ना? देखो, दिखाओ क्या है हमने बनाएगा? क्या बनाएगा? क्या है ये? फुलझड़ी, 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 फुलझड़ी। आप जलाओगे? हाँ। और क्या बोलोगे? हैप्पी दिवाली। थोड़ी सी डेकोरेशन अंदर भी करी है, गैराज भी डन, बैकयार्ड में भी पूरा जो फेंसिंग है उस पर ये लाइट लगाई है वंदना जी और बच्चों ने, बहुत हार्ड वर्क किया इस पर, मैंने भी थोड़ी बहुत हेल्प की है, पूरा ऑल द वे लगाई होगा। ये है बैकयार्ड की वॉल, सभी जगह पे कोशिश की है कि सरसों के तेल के दिए जले हों,
तुम क्या कर रही छुप छुप के यहाँ? अरे कुछ नहीं, मैंने इयररिंग्स नहीं पहने, सब लोग बहुत अच्छे से तैयार हो गया है सीरियसली। चलो 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 यार, वेट कर रहे हैं वो लोग। फूड इज रेडी, गेस्ट रेडी। हाँ जी, मैं भी रेडी हूँ। आप भी रेडी? खाने के लिए भी रेडी? हम भी रेडी है। बच्चे भी रेडी? कायरा, हेलो कायरा, वाह यू लाइक इट? चलो ये तो खा ले बाबू। डिनर हो गया ऑलमोस्ट डन। अब सब लोग थोड़ा सा फुलझड़ी वगैरह जलाएंगे बाहर आकर के, सब थोड़ा सा बच्चे जो है इन्जॉय करेंगे। इंडिया में तो होता था ना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे कि पूजा के बाद मिठाई आएगी, मिठाई खाएंगे, फिर सबके घर पर मिठाई देने जाएंगे। यहाँ पे वो सब इतना नहीं होता, लेकिन बच्चों के लिए तो थोड़ा सा फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको वही फील आए जो हम बचपन में फील करते थे। उनको लाइटें लगवाने में बोलते हैं, लाइटें लगाओ, ये करो, मिल के खाना खाते हैं सब लोग। शुरू करते हैं थोड़ी सी फुलझड़ियाँ। हैप्पी दिवाली। दिवाली ना एक आप जलाओ। आविक से हैप्पी दिवाली। पटाखे भी यहाँ पे लाने नहीं देते, पटाखे अलाउड ही नहीं है, क्या करें? कैमरा जुड़ा ला। हैप्पी दिवाली। और हमारे जो पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा खाना खाता है वो वन्ना जी खाती हैं। सब लोग खा चुके हैं, वन्ना लास्ट तक खा रही है ना? अभी तो लिया बेचारी, गलत बात है भाई, अभी तो लिया उसका बेटा। देखो सब खा चुके हैं, अभी इतना सारा खाना अकेले खा रही वन्ना जी, है ना? मैंने सोचा वेस्ट खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो भी दिवाली तो पक्का खाओगे ना? चलो आज वीडियो बनाएंगे कितना खाना खाते हो मैक्सिमम, ठीक है? बस करो, कुछ इनाम इनाम देखो कितना खाना खा रही है वन्ना जी, ज्यादा अकेले नाम मिलेगा, खाना खाओ, खाके दिखाओ। एक किलो स्वीट का है तो उस समय एक 15 साल ₹1,000 शुरू किया, मैं शुरू किया, कहाँ से ले लिया? चलो भाई चले फुलझड़ियों के लिए। तो दोस्तों सभी घर में जगह जगह पे वन्ना जी ने और बच्चों ने मिलकर के दिए रख दिए हैं, प्योर अपने तेल के दिए रखे हैं इंडियन स्टाइल में। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ऑल आउट भाई, इतना कम जोर से। तो आपको डेकोरेशन दिखाए थे, ये है हमारे नेबर, ये हैं गुजरात से और ये है हमारे यहाँ उत्तराखंड एंड फैमिली, और उधर वाली है हमारे एक और नेबर मित्र हमारे, वो है पंजाब से। तो पूरा हमारा छोटा सा इंडिया यहीं पर बसा हुआ है, गोकुल धाम इंडिया सब यहीं पर है। और कुछ ऑस्ट्रेलियन फैमिलीज भी हैं, वो इधर सामने रहती हैं।
पर वो लोग थोड़ा जल्दी सजाते हैं। हैप्पी दिवाली आंटी, हैप्पी दिवाली, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है ना, इसलिए हम लोग बट आज हमारी मिर्जा गजब लग रही है, गजब। देखना ध्यान से आना को रास्ते में, है ना, ध्यान से आना। और लंच सब मार्शल आर्ट कितना ज्यादा दूर है, मुझे भैया लेने आए बोल रहे कि मिर्जा को कोई लेके जाए तो लेके जाए, मैं मेक श्योर कर। ओनली तीन घर छोड़ के घर है इनका। जो है खाना खा चुके हैं और खाना पैक थोड़ा थोड़ा पैक करके भी ले गए, तो टच वुड कम नहीं पड़ा, खाना बहुत अच्छा था। और स्पेशली थैंक्स टू रूपल भाभी जी जिन्होंने खाने का ऑर्डर किया, सबको देख के हिसाब से किया कि कम ना पड़ा। बट कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया था देखते ही खाना कम पड़ेगा, किसने किया था? मितेश भाई ने किया था कमेंट खाना कम पड़ेगा। तो भैया ये बनाइए रूपल ने कुकीज, रूपल बनाया नान खटाई बोलती थी बट बिस्कुट की तरह होती है भैया, बहुत ही यम्मी बनी हुई है, लिटरली मजा आ गया। रूपल की पड़ोस में ये बट गई है, और अगली बार रूपल ना पैसे लगाएगी इससे। बहुत अच्छा बनाया है। और भाभी जी थैंक यू, एक और थैंक यू, आप लोगों ने सबको काउंट करके खाना हिसाब से ऑर्डर किया, प्रॉपर कम नहीं पड़ा, इन्हीं का कर रहा हूँ, कम नहीं पड़ा बिल्कुल भी। रूपल और किसी ने कमेंट किया था ना खाना आते ही उन्हें बुलाया जाए यहाँ। हाँ जी आइए, बुलाओ पकड़ो उन्हें। मेरे भाई बोल रहे थे खाना कम पड़ेगा, कम पड़ा है, थोड़ा कम मुझे लग रहा है, 5-6 फैमिली है इसलिए मैं सोच रहा था इतनी कम क्वांटिटी में आ जाएगा। अपनी बात तुरंत पलट दी ना, खाना इसको ऐसे भी कम ही पड़ता है, हमें पता नहीं खाना इसको है। कितना भी कर लो साला कम पड़ ही जाता है, इसको इतना सा खाना है, खाता नहीं है ज्यादा। बट भाई थैंक यू, और सब लोगों ने पैक भी कर लिया खाना, इतना था। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग, होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा, और हम सब की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली, थैंक यू, बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर।